Hello everyone, hope you all are well. In this video, I am going to discuss the remaining parts of the Hindu Adoption and Maintenance Act. In part 1, we already have discussed about the applicability of the Act under Section 2, requisites of valid adoption under 6, capacity of male Hindu to take adoption under Section 7, and capacity of female Hindu to take in adoption under Section 8. Now in this video, we are going to study rules for giving in adoption under Section 9. So, according to the Hindu Adoption and Maintenance Act, no person except the father or mother or the guardian of the child will have the capacity to give the child in adoption. Means, Hindu Adoption and Maintenance Act ke hisab se, koi bhi person except the father and mother. Kyun? क्योंकि फादर एंड मदर क्या होते हैं, नेचुरल गार्जियन होते हैं किसी भी पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए. और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड यानी कि फादर मदर और गार्जियन जो है उनके पास कैपेसिटी होते हैं चाइल्ड को अडॉप्शन में देने के लिए. देन व्हाट आर द राइट्स ऑफ फादर? इफ द फादर इज अलाइव ही हैज द राइट टू गिव इन अडॉप्शन, बट सच राइट विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड सेव विद द कंसेंट ऑफ द मदर अनलेस द मदर हैज कंप्लीटली एंड फाइनली renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by the court of competent jurisdiction to be unsound mind. यानी कि अगर father alive है तो उनके पास adoption देने के लिए पूरा right है, लेकिन ये right कभी exercise हो सकता है जब mother का consent हो. यानी कि mother के consent के अलावा कोई भी father adoption में बच्चा नहीं दे सकते हैं, with the consent of the mother दे सकते हैं. लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, कब मदर की कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है? जब मदर कन्वर्ट कर लेते हैं, हिंदुइज्म को सीज करते हैं, कन्वर्ट करके दूसरे रिलीजन में चले जाते हैं, और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड. यानी कि अगर कोर्ट, कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हर मदर इज ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि अगर कोई भी दिमागी बीमारी होती है उनकी, तो वो विदाउट कंसेंट लेकर भी कोई भी फादर अडॉप्शन में चाइल्ड को दे सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ मदर? द मदर कैन गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन इफ द फादर इज डेड और हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड और हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड. तो मदर के पास तब राइट है जब फादर डेड है, यानी कि कोई विडो अपने चाइल्ड को दे सकती है. और अगर उनके फादर, अगर बच्चे के फादर कम्प्लीटली रिनाउंस फ्रॉम द वर्ल्ड यानी कि संन्यास ले लेते हैं और हिंदुइज्म छोड़ देते हैं यानी कि कन्वर्ट कर लेते हैं, और कोई भी कम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोई भी कोर्ट अगर अनसाउंड माइंड के हिसाब से उनको डिक्लेयर करते हैं चाइल्ड के फादर को, तो मदर के पास राइट रहता है अडॉप्शन में चाइल्ड को देने के लिए. Next, what are the rights of guardian? The guardian of a child can give the child in adoption with the previous permission of the court to any permission, including the guardian himself. Guardian child को तभी दे सकते adoption में जब court का prior permission हो. In case both the father and mother are dead. Guardian का role तब आता है जब mother और father दोनों की ही death हो जाता है और दोनों ही अगर फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड यानी कि दोनों ही अगर संन्यास लेते हैं और अबैंडन द चाइल्ड यानी कि चाइल्ड का पेरेंटेज का पता नहीं चलता है और इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई भी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाला कोई भी कोर्ट अगर बोथ द पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर दोनों को ही अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करते हैं, इन द केस ऑफ पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन, अगर पेरेंटेज भी नहीं पता चलता है, ऐसे केसेस में गार्जियन का रोल प्ले होता है कि गार्जियन विद द परमिशन, प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोई भी चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकते हैं. नाउ अंडर सेक्शन 10 हम क्या रीड करने वाले हैं? पर्संस हु मे बी अडॉप्टेड, यानी कि चाइल्ड के पास क्या कैपेसिटी है. तो हमने एक बार हम सम अप कर लेते हैं. सेक्शन 7 एंड 8 में हम क्या देखते हैं कि जो अडॉप्टिव फादर एंड मदर है उनके पास क्या कैपेसिटी है. नेक्स्ट हम सेक्शन 9 में देखते हैं जो पेरेंट्स या जो भी गार्जियन अडॉप्शन में बच्चों को दे रहे हैं, यानी कि गिव इन अडॉप्शन बच्चों को दे रहे हैं अडॉप्शन में, उनके पास क्या कैपेसिटी होगा या उनसे रिलेटेड क्या रूल्स होंगे वो हमने देखा. नेक्स्ट अंडर सेक्शन 10
वी आर गोइंग टू स्टडी पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, यानी कि जिस चाइल्ड का अडॉप्शन होने वाला है उनके पास क्या कैपेसिटी है, या कौन कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अडॉप्शन रिलेटेड लॉज हम स्टडी कर रहे हैं. No person shall be capable of being taken in adoption unless the following conditions are fulfilled. So, क्या conditions हैं? He or she is a Hindu. Obviously, हम लोग एक act read कर रहे हैं जो Hindu Adoption and Maintenance Act. Hindu law है, तो obviously जो बच्चा है, जो child है, उसको Hindu होना जरूरी है. Second point, he or she has not already been adopted. कोई भी अडॉप्टेड चाइल्ड को दोबारा से अडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं. कोई एक बार अगर कोई चाइल्ड का अडॉप्शन हो जाता है तो वो कभी भी री अडॉप्ट नहीं किया जा सकता उन बच्चों का. थर्ड, ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड अनलेस देयर इज अ कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज व्हिच परमिट्स द पर्सन हु आर मैरिड बीइंग टेकन इन अडॉप्शन. तो अगर किसी बच्चे का मैरिज हो जाता है तो ही और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर द अडॉप्शन. बट क्योंकि पर्सनल लॉज को हम लोग कस्टमरी लॉ भी बोलते हैं, जो हमारा पर्सनल लॉज होते हैं उसमें एक सोर्स कस्टम्स भी होते हैं, तो कस्टम को भी वैल्यूएबल माना जाता है. कि अगर कोई भी कस्टम ये परमिट करता है इस लॉ को, इस रूल को, कि कोई भी मैरिड गर्ल और बॉय का अडॉप्शन हो सकते हैं, देन ऐसे केसेस में परमिट किया जा सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, ही और शी हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits person who have completed the age of 15 years being taken in adoption. So, fourth point क्या बोलते हैं कि 15 years तक ही किसी बच्चे का adoption हो सकते हैं, above 15 years नहीं हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे भी एक clause डाल दिया है कि by chance अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई भी टेरिटरी में अगर ऐसा कोई कस्टम है या यूसेज है जो इस चीज को मतलब परमिट करता है कि 15 इयर्स के अबव भी अडॉप्शन होता है, तो ऐसे केसेस में परमिशन दिया जा सकता है. नाउ अंडर सेक्शन 11 देयर आर सम कंडीशंस फॉर वैलिड अडॉप्शन. व्हाट आर दोस? नंबर वन इज अडॉप्शन ऑफ अ सन. अगर किसी सन का अडॉप्शन होता है देन क्या कंडीशन है? इन केस ऑफ अ सन, अडॉप्शन इज ऑफ अ सन, द अडॉप्टिव मदर और फादर बाय हुम द अडॉप्शन इज मेड should not have a Hindu son, son's son or son's son living at the time of adoption. They must not have a son whether by legitimate blood relationship or by adoption. So first condition ye kehte hain, under section 11 total 6 conditions hain. First condition ye kehte hain ki agar koi bhi son ka adoption karna lena ho, to aise cases mein adoptive father or mother ke paas koi bhi हिंदू सन नहीं होना चाहिए. सन का सन यानी कि बेटा नहीं होना चाहिए, पोता नहीं होना चाहिए और उनके घर में कोई परपोता भी नहीं होना चाहिए. लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन यानी कि अडॉप्शन के टाइम में कोई भी उनका पोता, परपोता या फिर बेटा जिंदा नहीं रहना चाहिए. जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप पे ही हो सकता है कि कोई भी अडॉप्शन सन ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ओके, अगर घर में कोई भी सन, सन सन और सन 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 यानी कि थर्ड जनरेशन का कोई भी नहीं है सन, तो फिर अडॉप्शन ऑफ अ सन इज अलाउड, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड. अडॉप्शन ऑफ अ डॉटर, सेकंड कंडीशन क्या है? अगर हमें कोई बेटी अडॉप्ट करना है, कोई डॉटर को अडॉप्ट करना है, देन व्हाट इज द कंडीशन? इफ एनी अडॉप्शन इज ऑफ अ डॉटर, द अडॉप्टिव फादर और मदर बाय हुम द अडॉप्शन इज मेड शुड नॉट हैव अ हिंदू डॉटर, daughter's daughter or daughter's daughter's daughter, son living at the time of adoption. They must have not a son, whether by legitimate blood relationship or by adoption. So, अगर किसी daughter का adoption करना है तो adoptive father और mother के पास कोई भी बेटी नहीं होना चाहिए, बेटी की बेटी यानी कि पोती नहीं होना चाहिए, और daughter's daughter son यानी कि कोई भी पोते की बेटा नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द अडॉप्शन. और ये रिलेशनशिप ये भी ब्लड रिलेशनशिप हो और अडॉप्शन से कोई रिलेशनशिप हो, तो दीज आर टू कंडीशंस. एंड नेक्स्ट कंडीशन इज अडॉप्शन ऑफ अ फीमेल चाइल्ड बाय अ मेल. अगर किसी मेल पर्सन कोई भी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन है? इफ द अडॉप्शन इज टू बी टेकन बाय अ मेल एंड द पर्सन इज टू बी अडॉप्टेड इज अ फीमेल, the adoptive father should at least
21 years older than the person to be adopted. यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर मेल पर्सन को डॉटर चाइल्ड अडॉप्ट करना है तो अडॉप्टिव फादर एंड चाइल्ड के बीच में एटलीस्ट 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए. नेक्स्ट, अडॉप्शन ऑफ अ मेल चाइल्ड बाय अ फीमेल. अगर किसी फीमेल चाइल्ड को, यानी कि किसी फीमेल को अडॉप्टिव मदर बनना है एक मेल चाइल्ड का, यानी कि एक बॉय का, देन उन दोनों के बीच में भी 21 ईयर्स का ही गैप होना चाहिए. तो इफ द अडॉप्शन इज टू बी टेकन बाय अ फीमेल एंड द पर्सन इज टू बी अडॉप्टेड इज अ मेल, the adoptive mother should at least 21 years older than the person to be adopted. Okay, there are four conditions and last two conditions are the same child cannot be adopted simultaneously by two or more person. ek hi child ka kabhi bhi do person se adoption nahi ho sakta hai. do person se means different adoptive father and mother nahi ho sakte same child ka. last condition is the child to be adopted must be provided and taken in the adoption by the parents or guardian concerned or under their authority with the intent to transfer the child from the family of his birth. yani ki jab adoption hoga usi time transfer of the child bhi hona chahiye. aisa nahi hai ki adoption ban gaya and baad mein us child ka transfer hua ki jis family mein uska birth hua ya brought up hai उस फैमिली में रह गया है, बाद में अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास आया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. एट द डे ऑफ द अडॉप्शन और एट द टाइम ऑफ द अडॉप्शन द ट्रांसफर ऑफ द चाइल्ड शुड बी डन. इन केस ऑफ अबंडेंट चाइल्ड, अगर ऐसा कभी होता है कि पेरेंट नहीं है या कहीं और ब्रॉट अप है और हुज पेरेंट्स पेरेंटेज इज अननोन, ऐसे केसेस में क्या होता है, जिस प्लेस में फ्रॉम द प्लेस और फैमिली वेयर इट हैज बीन ब्रॉट अप, यानी कि इस बच्चे का जहां पे ब्रॉटअप हुआ है उस प्लेस से एटलीस्ट ट्रांसफर होना है अडॉप्टिव पेरेंट्स के प्लेस में. ओके, तो दीज आर द 6 कंडीशंस व्हिच आर गिवन अंडर सेक्शन 11. वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. थैंक यू.